ठीक है भाई, आज शुरू करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। सुना है किसी ने नाम? सुना नहीं? चलो नहीं सुना तो सुनाएंगे। पहले क्या है, जब ये कह रहे हैं तो यही लिख दो पहले भाई, है बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट। इनका तो काम हो गया पूरा, है इसे बाद में लिखता हूँ। ठीक है भाई, होता क्या है, कुछ नहीं है। पढ़ाया किसी ने भाई? पढ़ाया नहीं किसी ने? नाम सुना है आपने? पढ़ा है नहीं? पढ़ा तो सबने पढ़ा कहा, देखो सबसे शुरू पे आया कहाँ से आया ये पढ़ा कहा किसी ने भाई? ये क्या होता है इसकी वैल्यू? नहीं बताया गया था ये तो यार, किसी कम से कम मैंने तो बता दिया, पता नहीं कितनी बार बताया मैंने। किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है इसकी वैल्यू। ये क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये प्लस बी बन के ए प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? और पीछे ले गए आप, क्या बात, प्रमोशन हो गया, कोई बात नहीं, जहाँ मर जाते हैं वहाँ बैठ। इसकी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, ठीक लिख दी भाई, पहले तुम लिखी बता दिया यार, क्योंकि गलती इंसान की होती है ना, गलती वो जहाँ लिखते हैं ना, क्या होती है भाई? और मेरे से बहुत गलती लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला भाई? अब थोड़ा सा पढ़ा होगा मैं, थोड़ा सा है ना, क्या होती है बोलो? ये तो होता है गलत लिखा, सही लिखा, ये थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी की वही था, थ्री ए बी को मिल गया। अच्छा अब क्या आएगा भाई, अब तो ज़्यादा ही दौड़ पड़ा होगा, चल भाई बता है, इससे बड़ा तो इन्होंने इससे बड़ा तो यू बता रहे हैं कि यू क्यों करो, फिर तो यूँ लिख दूंगा शॉर्ट वाले बच्चू तो नहीं है, यू लिख दूंगा उसकी भी जरूरत नहीं है, अगर यू लिख दो शॉर्ट वाल है भाई, एक्स की पावर फोर में जिसको एक्स मल्टीप्लाई एक्स करता हूँ तो फिर भी चार बार लिख लूँ, है ऐसा नहीं याद है तो नहीं ऐसा, अगर नहीं कहूँ चलो भाई, मैंने हिम्मत करके ए प्लस बी का स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कर ही दिया किसी तरह, है तो अगर ये कहूँ मैं फिर तो बिल्कुल ज़्यादा जगह यार, तो मान लो अच्छे से ही नहीं रहा है ऐसे जगह ना, और मेरे को चल भाई इसका कह दिखाइए, फिर निकल सकता है कोई ऐसा। देखो क्या होता है मैथ में, एक तुम देखना ऑब्जर्वेशन और उसका दिमाग में बिठाना क्या सेट क्या पैटर्न है, ये तो मैथ होता है, समझना उसको, ऑब्जर्वेशन करना उसका पैटर्न सेट करना, हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है ये सारे, अभी मैं बताऊंगा तुम ये सारे फॉर्मूले भी बैठे बैठे कर दूंगा। अगर मैं कहूँ भाई ए की ए प्लस बी की पावर 18 करिए ले भाई, तो क्या कहोगे, तो मजाक खींच कर रहे पागल से हो गया, नहीं इस तरह हो जाएगी वो तो नहीं, वो नहीं जाना होगा लेकिन होगा, अभी होगा, क्या करें होगा, इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, मान लिया किसी चीज़ पे सोल होंगे, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ मान के चलता है, लेट दिस सोल्यूशन विल बी सोल्व बाई ए थियोरम दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल थियोरम, यही बाइनोमियल थियोरम है। यहाँ तक की बात नहीं होगी, अब इसमें हम नहीं देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, सबसे पहले इसमें एक चीज देखते हैं, देखो इसकी पावर कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या जितनी मान लिया जाते हैं, या एन तक ही मान लो भाई, चाहे ये कह लो ए प्लस बी की पावर एन, कह दो ठीक, इनके फार्मूले जिनके आसान है, इनमें कुछ इनसे कुछ निकाल ले थोड़ा सा, हल कर ले थोड़ा सा अगर मन चाहता है, कि यहाँ तक तो बात सिनेमा की प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, इतना तो तुम्हें पता ही था, मैं तो कुछ करा ही नहीं भी। देखो इसकी पावर कितनी है, ये तो सिनेमा की गिनती तो इतनी, अगर पावर जीरो है तो टर्म्स कितनी है, अगर पावर वन है तो कितनी है, अगर टू है तो, थ्री है तो,
फोर है तो सिक्स, फाइव है तो सिक्स है होंगे तो, और एटीन है तो कितने टर्म्स आएंगे यहाँ, और अगर एन है तो कितने आएंगे। ये तो बात तय हो गई, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आ गए, एक बात तो मेरी हल हो गई बात, पहली क्या टर्म्स पहली क्या आ गई नंबर ऑफ। हाँ तो दिक्कत तो ये है भाई, ठीक। अब आगे देखते हैं, थोड़ी देर एक बात और, थोड़ी देर अच्छा ना एक और मुझे पैटर्न लग रहा, पता कुछ क्या पैटर्न लग पता लग रहा है कि जिसकी भी जो पहला टर्म्स है ये देखो, ये क्या है बाइनोमियल थ्योरम है, ये बाइनोमियल सुना भी है तुमने भाई है? हाँ हाँ यही बता रहा जी, मैं ये खुद ही बता रहा था, मैं तुम्हें यही बताना था, मुझे सुना तुमने बाइनोमियल, बाइनोमियल बाइनोमियल ये कहाँ, ये क्या मतलब है, सुना कितने नाम है बाइनोमियल, कुछ सुना कितने नाम है? नहीं वो तो बाद की बात है, मतलब सुना भी नाम कहीं है का, जैसे क्रिकेट नाम सुना हो अभी तो सुना हुआ हमारा नाम है, ऐसा भी सुना अभी तुमने नो बॉल इस तरह सुना हुआ है, ये भी सुना बाइनोमियल खेल में नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ इंग्लिश में, हाँ खेल में भी आ जा भाई, आ जा भाई सीरीज आ जा, सुना नहीं भाई किसी ने, सब ने सुना बताओ, हाइड्रोजन बाई क्या है बाई सल्फेट बाई फास्फेट, सुना सुन लिया, यानी कि दो वर्ड से बना बाई प्लस नोमियल, ये बाई तो समझ में आ गए, बाई क्या चीज़ हो गई, एक क्रिकेट में बाई हो, बाई के रन विकेट कीपर से गेंद छूट जाती है तो रन चले जाओ, क्या रन हो बाई के रन, एक बी बाई बाई द्वारा प्री पोजिशन में इंग्लिश, एक बी आई बाई इसका मतलब क्या है दो, क्या मतलब है हाँ तो बात नहीं हो गई। नो मिल का नाम सुना तुमने कभी, सुना नहीं, अरे सुना होगा, अरे पॉलीनोमियल, पर नॉम पूरी नॉमिल थे तो नॉमिल बना पो का हटा के भाई ये तो जोड़ा थे ना इनने अपना जोड़ दिया भाई नॉमिल, अब सुन लिया तो उन्होंने नाम नॉमिल पूरी नॉमिल क्या था भाई है, हाँ दो या दो से ज़्यादा पद ही बता रहे, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बहुत सारे का मतलब, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदों ही होता है पूरी नॉमिल, अरे ये कितने पद हैं इसमें, तो जिमोर ये डिमोर थियोरम नहीं बाइनोमियल थियोरम जब भी लगेगी एक दिमाग कान खोल लो, कितने चांस पे लगेगी हो बात में आ गई, इतनी तो भाई तुम पहले सुनो क्या बात में आ गई कि बाइनोमियल थ्योरम में जितने भी शुरू में लगे फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी दो होंगी, और जितनी भी पावर होगी इसकी, जितनी भी पावर होगी उससे नंबर प्लस वन टर्म्स आएंगे, क्या होंगे टर्म्स कितनी होंगी, पावर जितनी भी पावर होगी प्लस, यहां तक बात दिक्कत आई, और ये जो एन होगा यो ये नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा भाई यो आई कुछ थोड़ी थोड़ी बात सुनो, क्या बात तीन बात बताई मैंने तेरे को, क्या क्या बताई बता दिया भाई, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूँ मैं निकाले कभी, अगर पेपर में पूछा जा बता भाई इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कितनी होंगी, अंक भी अंक हमीश के बता दूंगा, अगर पूछा था कितनी टर्म्स होंगी तू वाले में तीन हुए बताए, बच्चे हो गए थे बुढ़े हो गए करते करते थे तो हैं थक भी गए थे, और एन क्या होना चाहिए भाई नेचुरल नंबर, और इसमें अंदर कितनी टर्म्स होनी चाहिए दो टर्म्स होनी चाहिए, जब दो टर्म्स होंगी घर में अगर पहला बच्चा पैदा हो तो क्या आ गया मोनू, तीसरे नाम क्या रख दूसरे क्या रखते हैं और तीसरा चोनू, अगर हो जाए भाई चाहते हैं तो इस तरह इस तरह नाम चलते छिड़ते हाँ चलते नहीं, घर के नाम तो ऐसे ही हुए हैं, बाहर के नाम थोड़े अलग होते हैं भाई विकास कुछ और इस तरह के, तो जो ये नाम है जिसका पहले का नाम तो मैंने पहला रख दिया दूसरा नाम दूसरा रख दिया, ये पहला ही यहाँ दिक्कत तो नहीं है भाई, सिंपल सिंपल यहाँ तो बात नहीं हो गई, सीधी सीधी बात है, नहीं तो मैं एक ये भी था डिमोट में सीधा लिख देता पहले थी एक्स प्लस वाई पावर एन इक्वल टू वो सीधा सीधा है अक्रोज वो फॉर्मूले जिसको चार में गए हैं और बेटे फॉर्मूला करता जाएगा, इसे फॉर्मूला किस तरह आता है ये फॉर्मूला ये थ्योरम आई कहाँ से, ठीक टाइम तो लगेगा लेकिन पहले निकाल लेंगे, हाँ तुम कहाँ गए थे भाई के, अब मैंने क्या देखा कि यार ये जो पहली टर्म्स है पहली टर्म्स नाम लिख दिया ना मैंने इसका,
इसकी जितनी पावर है पहले वही आ रही है यहाँ देख, एक सीरीज बंडी यहाँ एक ही कितनी पावर है देख, यहाँ एक ही पावर कितनी है पहली, एक ही मैक्सिमम पावर कितनी हो सके यहाँ वो एक ही पावर बननी आयो है। यहाँ एक पावर कितनी आनी चाहिए थी, एक पावर कितनी आनी चाहिए थी, और एक पावर यहाँ कितनी आवेगी ले भाई, फिर अभी कितनी आवेगी एक पावर की, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो काम लिख दोगे तुम भी कुछ एक की बात बढ़ी। यहाँ क्या आएगा एक ही पावर, यहाँ क्या आएगा एक ही पावर, यहाँ तो बात नहीं होगी तो क्या समझे भाई। एक और बात, नई बात क्या बता दी मैंने कि जो भी फर्स्ट टर्म है, जो भी की मैक्सिमम पावर है पहले वही आनी भाई, पहले वही आनी ठीक। फिर इसके बाद इसकी जो पावर है ए की वो डिक्रीज होनी, क्या होनी डिक्रीज का मतलब दो चीज होते हैं, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, क्या हो इंक्रीज बढ़ते क्रम। तो फर्स्ट टर्म की देखो भाई यहाँ कितनी पावर है, पहले मैक्सिमम कितनी पावर थी जीरो से क्या कम होगी, जिसका कुछ है ही नहीं दे देगा वो, अगर जिनका कुछ भी नहीं है गरीब आदमी यार भाई भाई साहब 100 रुपया दे दो क्या कहेगा भाई साहब, अगर रोटी रहा भाई खाना खाने कोई नहीं हमारे हैं दे देगा वो, तो ये तो भाई साहब ही तो बेचारे खुद ही खुश हैं। यहाँ कितनी आएगी पावर, यहाँ की पावर कितनी है यहाँ की पावर जीरो है नहीं यार है यार, देखो बिल्कुल बात ईमानदारी करो, देखो ए प्लस बी क्या जाएगा, ए प्लस बी इंटू वन ये तो लिख सकूँ भाई से, बी को वन इंटू ए प्लस बी इंटू ए की पावर जीरो देखिए लिखन दिया है, देखिए वन जीरो देख यहाँ की बी की पावर कितनी है टू है, यहाँ जीरो है, यहाँ कितनी आ गई है वन आ गई थी। अब यहाँ यहाँ क्या आएगी भाई, फाइव आवेगी, यहाँ कितना होगा फोर आवेगी, फिर थ्री आवेगी, फिर टू, फिर वन, फिर जीरो लिखा नहीं करते या लिख के जीरो भी, ये कितना बड़ेगा स्टूडेंट सर तो करना आ गया मैं आ नहीं गया, इसमें क्या आएगा सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, हाँ तक तो बात नहीं आगे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे ये प्लस बी को उसके आगे भूल जाएंगे इसका लिखना दीजिए एक दिए, चलो भाई साहब एक का तो हो गया, चलो भाई इसका तो एक का तो मामला है, लेकिन दूसरा बच्चा भी तो है जो मोनू था, अगर घर के पापा की जब डेथ हो जाती है दो बच्चे हो तो क्या उनमें जो प्रॉपर्टी है क्या होती है डिवाइड बंटवारा होता है, अगर डिवाइड मतलब बराबर बराबर हिस्सों में होती है, अगर बराबर हिस्सों में ना तो क्या होता है तो शाम को रोजा ना है नहीं मोहल्ले वाले चले जाओ भाई देखो क्या हो गया क्या हो गया है, और मोहल्ले वाले भी एक दो बार जाए जब रोज रहने का तो इनका काम तो यही ये नहीं मानते किसी की है भाई, मोहल्ले वाले एक दो बार तो जाए अरे भाई कर लो देखो यूँ हो भाई गलत बात है ये समझाएं समझ क्या गया कोई छोड़ कर रहे करने दे तो यही करेगा मानते ही तो जानवर हो गए यही तो होता है। तो भाई साहब अभी ये भी तो कहेगा भाई मेरा भी तो हिस्सा दे दो मुझे मेरा तो कुछ कर लो ये कहना नहीं चाहिए। तो भाई साहब ये क्या करते हैं तुमने देखा होगा ये एक बात है भाई ये जो बी है ये भाई साहब सबसे बाद में आ रहा है सबसे हिस्सा देख इसका हिस्सा सबसे जो सबसे छोटा सबसे बाद में मिल जाओ है नहीं तो कम पता होगा कि पापा कहाँ बीजे कहने बड़े को ज़्यादा पता हो है तो इसे पता नहीं है ये सबसे बाद में मिला है हिस्सा लेकिन मिला है नहीं जितना बराबर तो मैक्सिमम कितनी पावर है इसकी बी की तीन यहाँ कितनी है बी की ये रखिए भाई साहब बाद में यहाँ बी की मैक्सिमम कितनी पावर रखिए यहाँ जीरो तो है ही हो है नहीं भाई साहब जीरो जीरो तो बेचारा ऐसा कहीं भी रख लो है बी का और जीरो यहाँ तो बात है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा सबसे बाद में बी की पावर ठीक। अब तुमने देखा होगा ये बी की ए की तो पावर यू बढ़ रही कम हो रही और बी की पावर यू यू इधर से कम हो यही कहते बी की इधर से बढ़ेगी इधर से एक ही बात कहते चाहे तो यही कहते भाई मैं आपसे सबसे उम्र में बड़ा हूँ बात सही नहीं है चाहे यही कहते भाई अगर ये हम छोटे हैं आपसे बात एक ही है बात
लेकिन अगर इसे थोड़ा सा गंदे वर्ड में बोल जाऊँ तो दिक्कत आ जाए। जैसे मेरा जी एक ही बात है, एक बच्चे ने सुना इस तरह ही, अब भाई हो तो चैन इस तरह क्या, तो चैन यू कहते मेरे से छोटा है मेरे से बड़ा है, तो घर जाए क्या कहता है बच्चा ये, ओ भाई उड़ा मेरे पापा के बेटे इधर आ, क्या करा मेरे पापा के बेटे हैं, किसे बुला रहा हो, अपने भाई को यूँ नहीं कहना, ये बात अलग आ जा है नहीं, क्योंकि पापा ने धम्मक धूरा कर दिया उसको, आ जाओ धम्मा तुझे है नहीं, मम्मी को कहने लगे हो मेरे पापा की पत्नी ऐसा नहीं कहना, तो बोले ये छोटे बड़े मैया भाई, कभी हर कहीं रिलेट करो उस बात को, बात एक ही है ठीक है, तो खैर छोड़ो यहाँ तीन बात नहीं आ गई भाई। तो भाई क्या आया, ये बी की पावर फाइव है, यहाँ बी की पावर कितनी आएगी, फोर फिर थ्री फिर टू फिर है भाई, मन कर लो मेरी साथ देखो भाई है भाई, मन कर लो देखो मेरी साथ है, मैं कोई मन नहीं करता ठीक है, देखो भाई या तो यूं कहो कि जो ये मैक्सिमम ए की पावर है इसके बाद से बी लगाना शुरू कर दो, फिर बढ़ता करो शुरू कर दो, या यूं कर दो जो बाद में टर्म्स है उसे बी को फिर उल्टा लिखना शुरू कर दो इधर कम, चाहे तो बी को इधर बढ़ाना शुरू कर दो, ए को कम शुरू कर दो टर्म्स में, या लास्ट टर्म बी लिख के इधर से इधर घटाना शुरू कर दो, या यूं कर दो जो मैक्सिमम पावर लिखी है अगले टर्म में बी लिख के इसको बढ़ाना शुरू कर दो, ए ही आएगा, ए आएगा, हाँ तो बात सुनवा गई तो नहीं बात सुनी, अब तो ये भी अब तो देख लगा कुछ आदमी समझ गया होगा है, लगभग जगह आदमी तो है। देखो एक इसकी खास बात क्या है कि ये बोर तो नहीं हो रहे भाई, या सीधा ही फॉर्मूले लिख दूँ, मतलब फॉर्मूले पैदा हो जाएगा फिर यहीं कहीं बनेगा। अब क्या ये खास बात है इसमें कि ये ठीक है या गलत है, जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होगी, आ रहा बेटा आपने सुना कुछ, जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होगी उनका सम उसके बराबर होगा, उनका सम क्या होगा, देखो इसकी पावर कितनी है भाई, देख ए की पावर वन, बी की पावर वन, हर एक का टर्म्स का वन ही है, इसकी पावर कितनी है बेटे, इसकी पावर कितनी है यहाँ, देख एक इसकी एक इसकी दो होनी गई, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है इसकी पावर तीन, ये कितनी है इसकी पावर, ये कितनी है, ये कितनी है ये, हाँ इसकी पावर होगी बेटे, इसका देखो पांच का क्या होएगा, यहाँ तो बात नहीं आई तो नहीं सकती, यहाँ बच्चे है भाई, पर एक छोटी सी बात है गई है पता कहाँ टक गई जी, हाँ ये कह रही है कोफिशिएंट नहीं पता हमें भी, अगर कोफिशिएंट निकाल दे जब है बात तो जो मामले फंस गया, ये कह रहे कि कोफिशिएंट क्या है जो सात का लिखा हुआ बताया था, मैंने ही बताई थी ये बात, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे मान लिया ये फाइव एक्स है, क्या है ये, तो मैं कहता हूँ कि एक्स का क्या व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फाइव, तो इनके ये कह रही कि ये कह रही इसके साथ नहीं लिखा हुआ, जैसे तुमने तीन लिख दिया, तीन लिख दिया बात तो जब है ये भी बता दो मैं है नहीं, ये तो सोच गए, ये तो आ रहा था हमसे तुम्हारे पास, आ रहा था बात थोड़ी बताई, तो सब कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे पास, तो नई बात तो नहीं बताई मैंने, चलो भाई कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करते हैं, देखो भाई ये निकालते हैं पास्कल ट्राइंगल, क्या निकालते हैं, सुना तो नहीं होगा नाम, अब सुन लेंगे है, सुना अच्छा मेरे भाई सुना, देख भाई अच्छा भाई ये तो संजमा है, ये फॉर्म में देखो ये तो संजमा है, भाई मन्नत नहीं है फॉर्म में, यहाँ तक के चलो भाई मैं आगे भाई मन्नत कर दूँ मैं, ये देखो एक ही है मैंने लिख दिया है भाई, फिर इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, वन वन और वन नहीं है, ये सर एक एक जीरो लड़कियाँ वो बनाए मैंने डिजाइन से अच्छी तरीके से रंगोली थी इसकी, ये लिखी दिक्कत तो नहीं भाई, फिर क्या करा मैंने, इन दोनों का ये वन तो यहाँ लिखना मुझे, यहाँ वन एक वन यहाँ ना, इन्हें दोनों को जोड़ के, इन्हें दोनों को वन और वन कितना आ गया, रखा देख वन टू वन, अब क्या करा वन तो यहाँ आना ही आना आयो वन तो, और यहाँ भी आना ना वन तो, इन्हें जोड़ के वन और टू थ्री, थ्री टू और वन रखा देख वन थ्री थ्री वन, और यहाँ क्या आएगा भाई वन फोर सिक्स, भाई यार भी मनना को सिक्स और फिर फोर और फिर है भाई, बताओ दिक्कत तो नहीं है कुछ,
ये थोड़ा तिरछे में लिखा जाता अच्छा लगता है डिजाइन है ना, समझिए ना मैं कैसा ये यूँ लिखा जाता मेरे को यहाँ जगह मिले कम ड्राइंग बनानी कम आती है, समझ गए ना क्या, बड़ा अच्छा लगता खूबसूरत सा लगता है। चलो खैर बगैर खूबसूरत से भी चला लो काम है, फिर क्या आएगा भाई बेटे बोलो, वन यहाँ से अच्छा लगता है बना तुम कॉपी में तरह बनाइए वन फिर पहले तो यहाँ बनाएगा पहले तो इसका हिसाब कर दूँ मैं क्या आएगा बोलो कजीज मोर जाए फाइव टेन टेन फाइव बेटे। अच्छा यो कब के लिए भाई एन बराबर एट एन बराबर एन बराबर एन बराबर एन बराबर एन बराबर यहाँ तो बात नहीं हो गई भाई। देखो भाई देखो भाई यू वन वन देखो आ रहा वन एन बराबर टू के एन बराबर वन के लिए एन बराबर किसके लिए जीरो के लिए मैं गलत लिखता हूँ भी ध्यान नहीं दिया जीरो से शुरू करता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव दिक्कत नहीं है भाई देखो किस रखा देखो वन 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 टू वन यहाँ क्या आएगा वन थ्री थ्री वन यहाँ क्या आएगा यहाँ बताओ वन फाइव वाले में वन अरे फाइव वाले में गुरु जी फाइव वाला एक छोड़ का देखो है बेटे फाइव के लिखा देखो फाइव के लिए यहाँ क्या आएगा फाइव ये तो बनता है ही फाइव फिर टेन फिर टेन फाइव जो हाँ यो मैं ही बताऊंगा फॉर्म लेकिन तो जरूरत पड़ी थी हाँ जी पहले ही करा करते बच्चे पहले कितना करा थे शुरू शुरू मैथ का डेवलप हुआ इस तरह फॉर्म निकल जाता अब यू तुम लोगों ने तो ढेर मामला खराब हो गया तो ढेर मामले बढ़ जाए अगर मैं तो वही बताऊँ फॉर्मूला तो वही तो बताऊँगा मैं फॉर्मूला बनने वही तो बनाना चाह रहा हूँ मैं इसका पहले कह रही हम आ रहे हैं हम अब यो अब ये कह रही तो यो बहुत अच्छी बात करी कि यो तो मामला अगर हम जो है एक ही सवाल आ गया तीन घंटे का पेपर हो तीन घंटे में इसी बनाते रहेंगे किनारे का डिजाइन नंबर का तो एक का ही होगा ऐसा नहीं है तो वही बताओ फॉर्मूला सीधा में तो है पहले से सीख रही आया कहाँ से मामला है देखो भाई थोड़ी जहाँ इतना दिक्कत थोड़ी सी एक बात और सीख ली मेरे कहने से भाई कोई दिक्कत तो नहीं देखो भाई एक अभी तुमने जो है ये पढ़ा होगा तुमने परमुटेशन कंपेरिशन भी पीछे पढ़ गए होंगे तुम ये हरूफ पढ़ा होगा तुमने एन सी जीरो बराबर एन सी एन इसकी वैल्यू कितनी होती है क्यों हो बनी यार इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता क्यों हो इसके इसके बनाए होंगे कॉम्बिनेशन क्या बनाए होंगे कॉम्बिनेशन बनाए होंगे है भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया होगा एन सी जीरो एन सी एन की वैल्यू वन क्यों होती है यार ये नहीं मुझे पता भाई बता था तू बच्चा देखो भाई हाँ फॉर्मूला खोल दो फॉर्म लेने मुझे पता हाँ ये चीज यूँ कहना चाह रही है देखो इन्होंने कुछ हद तक के बात बताई कि मान लिया ये तीन गेंद है भाई ये कितनी गेंद है भाई ठीक अब मैं यूँ कहूँ कि इन तीन में से ऐसे कम्बिनेशन बनाओ नंबर ऑफ वेज की कम्बिनेशन बनाओ कि मुझे यूँ ही बताया होगा कि कोई भी गेंद नहीं लेनी कोई भी तो कितने तरीके है भाई इसके एक ही तरीका कोई भी गेंद लेनी तीन गेंद का तो ये एन सी जीरो एन नंबर है जिनमें से एक भी गेंद नहीं लेनी एन सी जीरो की वैल्यू हो गई प्रूफ। अब फिर देखो ये वाला क्या है कि ऐसा कम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जैसे ये तीन बॉल हैं और तीनों में से तीनों ही ले ली कितने तरीके से ले सकूं भाई मैं एक ही तरीका पापा के पैसे रखे हैं मम्मी के सारे उठाने हैं और पापा ने कह रहे सारे पैसे उठा के ला कितने तरीके हैं वो एक बार में उठा के ले आऊंगे सारे क्यों क्यों वो तुम्हें मिलने खाने के लिए है नहीं और बच्चा कूद के जाएगा बेटे तुझे मिलेंगे कहते नहीं पापा अब जेब में जितने पैसे सारे तेरे हैं वो जेब में पापा ने पहले ही 10 रुपये रखे हों बच्चा कूदता जाएगा ढेर सारे होंगे ऐसा ही नहीं होता अब बेटे सारी चीजें जेब में है पर कितने लोग जितने हैं सारे तुम्हारे पापा ही नहीं कहते वो पापा तो होशियार हैं पापा को तो पता पैसे मांगे हैं पापा ने पहले 10 रुपये रखे हैं तो ठीक इसी तरह से
ये तीन बोल हैं, तीनों को एम सी एन एम सी जीरो इज इक्वल टू एम सी वन की वैल्यू क्या होती है भाई? वन होती है। यहाँ तो आवाज़ नहीं आ रही भाई। अब देखो भाई, अब मैंने क्या करा है, हमेशा देखो पहले टर्म्स का कोफिशियंट और लास्ट टर्म का कोफिशियंट हमेशा क्या है भाई? वन है। ये है नहीं भाई, हमेशा क्या है? तो वन है, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं? एन सी एन, क्या लिखूंगा मैं? एन सी जीरो, एन सी जीरो। और यहां क्या क्या लिखूंगा? एन सी, सही बात नहीं है भाई? बस अब तो मेरा काम बन गया, बोले अब तो मेरा काम बस इसे बढ़ाते चले जाऊं मैं। कहां तक किए? एन सी जीरो, यहाँ क्या आएगा? एन सी वन, फिर एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी फाइव। अब जब भाई साहब हम कह के लिए करें, हम फाइव के लिए करें, तो हम फाइव लिखेंगे है जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आएगा? एन सी वन, फिर एन सी टू, यहाँ क्या आएगा? एन सी थ्री, एन का जगह तो है भाई साहब, एन की जगह पाँच है, एन एन कहाँ रह गया, मतलब पाँच रह गया, तो जितनी बात है अब तो है नहीं, तो बड़े सारे हो गए, पाँच थी टू, पाँच थी थ्री, और पाँच थी फोर, और पाँच थी फाइव। अच्छा भाई, एन सी जीरो, एन का मतलब फाइव सी जीरो की वैल्यू कितनी है भाई, निकालियो फाइव सी जीरो की वैल्यू, फाइव सी वन की, फाइव सी टू की, फाइव सी थ्री की, फाइव सी फोर की, निकाल के भाई जरा, तो निकाल ली होंगी, निकालो डाला जाए ना, डाला जाए बार बार, रिपीट हो रिपीट ना हो, है यही चला होगा। तो छोटे सवाल छोटे की भाई, क्यू की पावर एन माइनस वन, इस तरह की चीज है, यही चला होगा दो तीन दिन, ये फॉर्मूला है। देखो मतलब ये कह रहा है, चेक भी कर लो, ये सवाल ठीक भी है नहीं है, ये जो कोफिशिएंट लिखे थे मैंने धोखे से लिख दिए थे, वो ठीक है नहीं फॉर्मूले में, ये ठीक है, सही है सर, सर सही है, चेक भी कर लिया, या बस मैंने लिखे यही सही है। तो भाई अब इसका मतलब जो है, इसका अगर हमारे पास सवाल में फॉर्मूले लिखना क्या है, देखो भाई एन सी जीरो ए प्लस बी की पावर फाइव, क्या आ फाइव जीरो, फाइव सी वन, फाइव सी टू। अब मैं जिसका जो है जनरल टर्म्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका, एक जनरल टर्म्स निकालते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। अब क्या है मटूद भाई से? यस सर। क्या है, अब मुझे देखो तुम समझाना, अब छोटे से बच्चे के नाम बदल लू, एक्स और वाई रख लू, है बदल लू, कोई नाम तो नहीं बदल, नाम तो बदलने की दिक्कत है भाई, सोनू कहते श्या कर गया, गोलू रखे तो बड़ा सा हो जाए, मोटा सा है, अपने गोलू रखते हैं बच्चे का नाम, एक गोलू और एक मोनू, ये दिन के नाम है, इसका फॉर्मूला बता सको क्या होगा, इस तरह ही, इस तरह बता, बिल्कुल इस तरह ही बोलो क्या आएगा, एन एन सी जीरो में तो बताया था, बोलो एन एन सी जीरो पहले बेटे पावर मैक्सिमम हुई तो रहनी, एन तो हुई गई, चाहे वाई वन जीरो आते गए ना, लिखो पहले क्या आएगा, आगे वाई तो आएगा बेटे, वाई नहीं बढ़ जाने का, चाहे वाई की पावर धड़े लिखता है, शुरू कर दे फिर आगे लिखो लिखो क्या आएगा, उतारा था यानी आप तुमने है ना उतार लिया था, फिल्म आ गए थे मैंने महाभारती लिखी, एक क्या आएगा ये एन सी
एंड फॉर्म में लास्ट वीक में बहुत हो गया यार, फिर से चलते हैं क्या आएगा एन सी एन हाँ एक्स की पावर एन माइनस एन एक्स की पावर जीरो आ जाएगी, वो लिखते नहीं तो कितना क्या लिखूँ भाई, यहाँ एक्स और एन माइनस एन आएगी, एक्स की पावर एन माइनस एन का मतलब होया किसी चीज़ की पावर जीरो होगी, जीरो की वैल्यू क्या होगी वन, मैं लिखते नहीं आ गया, यही बाइनरी थ्योरम है भाई। अब तो रिटर्न का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा तो जिंदगी भर के लिए, हो गया मजा आया कुछ थोड़ा सा। अब इससे पहली टर्म्स की आ जाएगी यार, ये एक मुझे यू भी लिखवा लगे आपको है नहीं, जी चला मैं लिखने के लिए है नहीं, जी तो कुछ को भी चला भाई, तो मुझसे को भी जी चला, मिट्टू भी जी चला, इसे लिखो झल चाहे जाता तो इसका जी चला मैं लिखने के लिए लिखो, हाँ एन सी एन ये ही करे भाई साहब कि एन सी एन माइनस में लिखो जी, और फिर भाई साहब एक्स भी था यार है जी, क्या करे बता दूँ नहीं कुछ बात कर रहा आते आते फिर अटक गई है, बोलो कुछ तो बोलो, गलती तो बोलो कुछ बात भी उससे गलती तो बोलोगे क्या, कुछ क्या कह रहा है कि चार्ज लग रहा कुछ। अब तो गवर्नमेंट ने बोला आज अखबार में है कि किसी भी बच्चे को धमका नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते, बल्कि फिर डांट नहीं सकते, मैंने क्या कहा था बेटे कि वाई की पावर इधर से घटेगी, बता ना उधर से बढ़ेगी तो वाई की पावर एन है तो कितनी आ जाएगी, वाई की पावर अरे एक्स की पावर क्या आएगी इधर से बढ़ेगी, एक्स की पावर यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी आएगी, ये सवाल ठीक है या गलत है, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, इसकी पावर कितनी है वन, इसकी कितनी है, सम कितना आ गया देखते नहीं, एन माइनस वन कर वन का सम क्या आ गया, जीरो आ जाएगा, यहाँ कितनी पावर है बेटे, यहाँ कितनी पावर है आ गया, ठीक ये एन माइनस वन है क्या है, एन माइनस वन प्लस वन, प्लस वन भी दावत कर देगा, ये भी एन लिखी, ये भी एन, ये सारे एन, यही क्या फॉर्मूला है भाई इसका, यही है बाइनोमियल थ्योरम, इसी तो आई लोग कम से कम भाई साहब भूलने नहीं भाई थे, याद आ गई, बड़ी मेहनत से देख मेहनत ही कमाई है, है बड़ी मेहनत से लाए फॉर्मूला है, अन्य डायरेक्ट भी लिखा जा सके था, इतना टाइम खराब करा है, इसीलिए करा कि आया कहाँ से, सवाल ये होता इसे लिख के दिखाओ, अच्छा भाई x प्लस दो की पावर फाइव, इसका फॉर्मूला तो लिख के दिखा दो, फिर लिख के तो बोल लिख के दिखा दो, नहीं तो मैं लिखूँ फिर मतलब हाथ चल जाएगा, क्या ये x प्लस टू की पावर फाइव एक्सपेंड विद बाय द बाइनोमियल थ्योरम बाय द, ये तो वही तरीका है भाई, x प्लस टू को फाइव बार लिख ले, ये तो देसी तरीका वही था हमारा, सुबह जो कर रहे थे मैं ये गया कि एक्सपेंड टू दीज बाई द बाइनोमियल वैल्यू निकाली,
क्या आएगा ये फाइव सी जीरो एक्स की पावर फाइव प्लस फाइव सी वन इसको कर रहे होंगे भाई है ये करिए कुछ और सब कर रहे एक्स की पावर फोर प्लस इंटू टू प्लस फाइव सी टू एक्स की पावर फोर थ्री टू का स्क्वायर भाई आगे बढ़े भाई बात खो गया होगा yes, हाँ भाई आपकी समझ में आ गया क्या नाम भाई आपका सान। कहाँ पढ़ते हैं आप चंगे दोस्त ही हैं गांव के हैं आपके अच्छा अच्छा दोस्ती की वजह से आए हुए हैं आप कहाँ पढ़ते हैं भाई इधर अचेवी के पास हैं बड़ी अच्छी बात है ये तो दोस्ती के बाहर हैं ठीक है भाई एक तुम्हें जो है घर बैठ के ये करना है सवाल x अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन x की पावर कितनी लगाओ उसकी पावर बताओ कितनी लगाना चाहोगे तुम हैं छः लगा लो यार इसमें थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा पाँच का लेंगे पाँच का मैंने कर दिया है देखो भाई शर्त क्या है देखो इसमें सवाल बिल्कुल एडिटिंग ही होगा जो ये है पहला टर्म सोम क्या मानेंगे एक्स ही मान लें दूसरे टर्म्स को बस ये शर्त है कुछ भी लिखा हो चाहे एक हो दो हो कुछ ही हो इसको क्या लिखेंगे ए और बी ही मान लेंगे सब मैंने ठीक है भाई मैक्सिमम पावर इसकी आनी जो पहले लिखा हुआ है यहाँ तो बात सुनवा भाई कर लूँगे घर बैठ के आगे बढ़े भाई अच्छा और थोड़ी सी एक और दिक्कत आई मुझे ये कह रही है तुमने कहा था भी नहीं कुछ कि अगर जी हाँ माइनस हुआ फिर क्या होगा भाई अगर यहाँ माइनस हो सम्मा माइनस लगा दो एक तरफ अंक अंक नीचे सम्मा माइनस है देखो वहाँ लगा देखो यहाँ तक तो अच्छा ये तो बात सुनवाई के लिए माइनस की थोड़ी देर थोड़ी सीख रहे हल्का से एक मिनट के लिए इससे पाँच मिनट लगेंगे बस हैं या डायरेक्ट बताऊँ क्या देखें कुछ तो होगा भाई जब करेंगे कोशिश है देखो भाई अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा एक मिनट की जरूरत कि ऑब्जर्वेशन देखेंगे करना क्या है सब यही निकल जाएगा देखो क्या आएगा भाई x माइनस वाई की पावर जीरो कितनी वैल्यू आ गया है
एक्स माइनस वाई की पावर वाई की पावर वन की वैल्यू कितनी आएगी भाई? फिर क्या आएगी बोलो? एक्स माइनस वाई और थ्री की वैल्यू क्या आएगी? माइनस थ्री माइनस माइनस है भाई, थ्री माइनस दोनों बार माइनस आता है भाई, यहाँ प्लस आएगा माइनस, बताओ ये प्लस कह रहे माइनस कह रहे, माइनस ही आएगा यहाँ। आप क्या कह रहे? आप क्या कह रहे भाई? इनकी नहीं आए, इनकी इनकी बात मान लो पहले है, जो नया आया उसकी भाई, जो मेहमान है उसकी बात मान लिया गया नहीं, ठीक है। आपकी क्या राय है भाई? नहीं दोनों एक दोनों अलग अलग है यार, एक तो जाते उनकी बात मान लो, चलो उनकी बात मान ली, इन्होंने भी उनकी बात मान पहले ही लिखी, ठीक है। आज लेकिन बार बार नहीं मननी भाई, आज नहीं होना इसलिए मना दी, क्योंकि देखो वाई का स्क्वायर है ना, ये वाई माइनस का, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का होगा, आई बात समझ? फिर आगे अच्छा, अब तो तुम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सको भाई, अब तो लिख सको इसका फॉर्मूला भी। वो इसे जो मैंने लिखा था इसे बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल, इसे क्या बोलते हैं, वो बनाया था ना मैंने चित्र सा, वही पास्कल ट्राइंगल। अच्छा अब यार इसमें जो माइनस का, देखो बात तो सारी वही है, देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, जो इन्होंने कहा था कि बस माइनस प्लस का ही तो खेल है, मैथ ही सारा माइनस प्लस है, जोड़ घटाओ ही जाए सारा, या तो जुड़े हैं सवाल में क्या होता है, या तो जोड़ या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडर और प्लस माइनस, बस यही तरह सारे सवाल है क्या, बस इससे बाहर तो कुछ नहीं होता। ये क्या है, चार ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और ये, तो यही लगो जाओ बार 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 है। अब ये क्यों कह रहे जी प्लस माइनस लगा दो, ये दो कहाँ लगाएंगे, इसका क्या कुछ तरीका निकल रहा है, कुछ फॉर्मूले बन रहा। हाँ अच्छी बात है, शाबाश, क्या बता रहे तुम्हें, एक प्लस, देखो एक प्लस, अरे एक प्लस एक माइनस, फिर इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कितनी आसान बात है नहीं बात। अब तो ये भी हल हो गया, हमारी समस्या भी हल खत्म हो गई, जो हमारी दिक्कत थी। अच्छा इसका क्या आ जाएगा फिर, अगर x माइनस वाई की पावर n होता है, लिख के दिखाइए क्या आ जाएगा भाई, हाँ लिख के दिखाओ कॉपी में भाई, कर लिया, लाओ दिखाओ, देख लो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिखाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, देखना तो y की पावर n प्लस वन लिख दी डायरेक्ट, बेटे y की पावर तो वन आएगी ना, चाहिए
इधर देखो n माइनस वन और n प्लस वन, इनका जोड़ वन से बन जाएगा टू एन। आना चाहिए इसका सम कितना आएगा, पावर का सम कितना आना चाहिए बच्चे, एन। कब आएगा नहीं, हाँ क्या आना चाहिए भाई, और कितने आने चाहिए, एन माइनस वन प्लस वन। अच्छा देखो यार एक बात हो यार, देखो तुमने गलती कर दी आज मैं मेरी नज़र में, क्या गलती कर दी इन्होंने, देखो तुमने भी गलती कर दी, तुम्हारे भी चेक कर दूंगा लो जी, आप भी दिखा दे आपको भाई दिखाने सर, तुमने भी एकदम गलती कर दी। देख भाई इन्होंने क्या करा, तुमने देखो भाई सुनो, तुमने क्या करा इस सवाल में, सबसे लास्ट टर्म में किसी ने माइनस लिखा किसी ने प्लस लिखा, थोड़ा सा भाई मन ना हो रहा है, और सारी बात सारी सही है ना, तुमने डायरेक्ट लिखा माइनस, मैं तो यू देखिए इसमें कहाँ आ रहा माइनस, देखिए इसमें तो माइनस आ रहा, दे इसमें प्लस आ रहा, फिर माइनस आएगा गड्ढा फिर प्लस आएगा, है नहीं ईमानदारी की बात। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे, इस एन पे, इस अगर एन क्या है इवन है तो बाद वाला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नहीं तो सीधी सी बात है ना, यानी ये डिपेंड करता है माइनस वन की पावर एन माइनस आर कैसा है, माइनस वन की पावर एन माइनस आर, ये आर तो है जिसमें एन सी जीरो, एन सी जीरो का मतलब यही तो था, यानी फाइव सी जीरो, एन कितना है इसमें फाइव, आर कितना है जीरो, इस पर डिपेंड करता है, कहाँ पर डिपेंड करता है, देखो भाई कहाँ पर डिपेंड करता है, एन माइनस जीरो पे ये डिपेंड करता है कि माइनस वन की, इससे जो पहला टर्म्स आएगा माइनस वन की पावर एन माइनस आर, यहाँ तो बात समझ होगी, ये भी दिक्कत खत्म होगी टेंशन माइनस की भी, आगे समझो अभी वो माइनस के वाला को जो भी अगर प्लस होगा तो बाद वाला टर्म्स क्या आएगा, और नहीं तो अच्छा ये अच्छा इसका इसका एक्सपेंडेंस फॉर्म करके दिखाइए भाई, वन माइनस टू एक्स की पावर फाइव, फाइव लिखा जा रहा हमारे बार बार है ज़्यादा ज़्यादा फाइव की रिश्वत ले लिए हैं, वन माइनस टू एक्स की पावर फाइव। देखो भाई इस सवाल में क्या खास बात है, इस सवाल में खास बात है ये फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, वन ही रहेगी, हो कुछ पहले बताई थी मैंने बात, चाहे गरीब और चाहे जिसको गाँव में कह देते हैं हम कि तेरे खाने जा रहे हैं, तो बादशाह होगा अपने घर का वो कह नहीं देते, तो ठीक इसी तरह से ये भाई साहब फर्स्ट टर्म यही रहेंगे कुछ भी होए, चाहे छोटा और चाहे इसे लिख के लिखो वन माइनस टू एक्स पावर फाइव।
जाओगे बेटे। जाओ तुम्हें सवाल बड़ी अच्छी बात है, माइनस प्लस। अच्छा अच्छा माइनस प्लस माइनस प्लस कर दी देखो मेरे कुछ भी तरह देख एक्स बढ़ जाएगी वन कितने पावर हाँ जो तीन मिलीग्राम से वन सा लग रहा है यार मुझे लग रहा है बल वन से लग रहा क्यों लग रहा इसलिए मैं आठ बंदे हुए चश्मे से लगे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव हैं आगे बच्चे पास ये देख लेना ये ठीक नहीं है ये तो है ये दस बीस दस को भी शायद ठीक है ठीक है आप बिल्कुल शायद यही है। अच्छा यार देखो अब एक बात बताओ ये जो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है इसका कुछ फ़ायदा भी दिखा थोड़ा सा मतलब कितना बड़ा फॉर्म लगा इसका क्या एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छा एक और यार मुझे करिए दिखाओ अगर मान लिया मैं यूँ कुछ ले जाऊँ बाई चांस कि भाई चलो सारी बात सही है यार अब जो बच्चा है अब तुम ये सोचो बच्चा यूँ गया जी अब आप जो छोटे भाई होते हैं पाँचवीं चौथी तीसरी तक के बता अरे भाई साहब क्या सीख गया क्या पढ़ाया तुमने जी बहुत बड़ा कर उन्होंने बायोनॉमिक थ्योरम बताई क्या सीख गए और उसे कितने बड़े एक्सपेंड कर लो कितनी बड़ी एक्सपेंड लो कितनी बड़ी गुना कर लो ये गुना ही तो है एक्स प्लस वाई की घात तो एकदम हो जाओ अच्छे मेरा सवाल करके दिखाइए भाई अब उसे एक्स वाई पता हो बस पाँच वाले को तो पाँच ही तो ही बताया जा देखो भाई किससे बताया जा पाँच में से चार जा कितना बचे है रुक के देख बढ़ाया ये पीछे एक और चार में से पाँच जाते नहीं ये नहीं बताया जाता। अच्छा जी छठी में क्या बताया चार माइनस पाँच माइनस के एक हो गए भाई छठी में बताया जा पाँच ही तो क्या रहता है चार में से पाँच क्या कह रहे हैं ये आखिर ले मैं ये बताया उसे हैं चलो ठीक। अब सवाल ये है भाई साहब कि यार इसका एक्सपेंडेड बच्चों किस तरह बताया जाएगा जरा सा बच्चा है कि क्या हम सीख है नहीं जी मैं सीख पाया अभी भाई चलो कितनी बड़ी गुना करवा दो मेरे से गुना ही तो है जो एक्स प्लस वाई की घात दो एक्स प्लस वाई जैसे मैं ये कहने लगी हूँ भाई 101 की घात पाँच फिर पाँच है 101 की घात चार गड्ढे छः गड्ढे कुछ हो रहे हैं 101 की घात पाँच का किस तरह लिखता है भाई इसे एक्सपेंड करना है इसकी वैल्यू निकालना है बाई द यूजिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम नहीं तो वो तुमने बता दो सुबह तो इनको तो मैं बता लिया भी कर लूँ ले 101 गुना 101 है भी कर लूँ है धड़ा धड़क भी करके हैं लेकिन यूज क्या करना है अभी इसका बाइनोमियल थ्योरम किस तरह हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम से हाँ इसे वन के एक्सपेंड में कर लेंगे वन के क्या कर लेते हैं अरे 100 के यानी जीरो के एक्सपेंड में आस पास या तो माइनस या हाँ क्या रहता है 100 तो 1 प्लस 100 कर लो 1 सिग्मा लग सिग्मा ही दिक्कत नहीं आती है हाँ ऐसे ही कर लो ये आसान नहीं रहेगा सिग्मा चाहे 100 प्लस 1 कर लो 1 प्लस 100 देखिए क्या आएगा भाई वह करी हो जा तो किताब में तो वह रखा ही है 1 प्लस 6 घर जाके यह कैलकुलेटर से गुणा कर लो इसके लिए वही आ रहा नहीं आ रहा है देखो भाई फर्स्ट टर्म क्या आ गई इसमें एक्स की जगह 1 और बी की जगह क्या आ गई सेकंड टर्म की जगह वाई की जगह 100 या ए या बी जो भी मानना चाहो इधर 4 कर लो भाई छोटा सा कर लो ले भाई छोटा 4 कर लो छोटा सा 5 ए बड़ा है छोटा जल्दी जाएगा क्या कर लेंगे 4 कर लो जल्दी छोटा हो जाएगा वो है यार हिमेल लगवा रखे हैं
खर्च आ गया लेकिन भाई कैलकुलेटर होगा क्या पता मिला लो ठीक है होते हो जाएगा मतलब फ़ायदा तो हुआ ना मैं कहना चाहता बैलेंस थ्योरम का फायदा तो हुआ कुछ थोड़ा बहुत मतलब बगैर क्योंकि मल्टीशन डिवाइडेशन मुश्किल पड़ती है पहला फिर माइनस फिर भी आसान है कि बचपन से हमने पढ़ सकता अब सवाल क्या है अब क्वेश्चन है भाई आगे सुनो आगे बढ़े भाई थोड़ा सा एक क्वेश्चन है ये पहले सीख लें क्वेश्चन सीख लें फिर अगर कर लेंगे क्वेश्चन है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करते हुए बाइनोमियल थ्योरम का प्रूव दैट प्रूव करना है सिद्ध करना है कि 6n-5x 5n इज ऑलवेज रिमाइंडर 1 हमेशा शेषफल 1 देता है कब व्हेन डिवाइडेड बाय 25 जब भी 25 से डिवाइड करेगा ये रिमाइंडर 1 आएगा रिमाइंडर तो जानते हो शेषफल जानते हैं ये नहीं जानते तो भाई ये है देखो शेषफल का सीधा तरीका है भाई क्या शेषफल का तरीका देखिए भाई 20 21 से 4 को भाग दिया क्या आएगा भाई करके दिखाइए जरा यही आ गया यही तो कह रहे हैं बच्चों को यही रिमाइंडर 1 होगा ये कह रहा है जब इससे डिवाइड करूंगा मैं इसे डिवाइड करूंगा किसे डिवाइड करूंगा 25 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा नहीं निकालना नहीं कुछ भी नहीं है देखो आसान तरीके ऐसे करने को इससे डिवाइड करना है 25 से इसको डिवाइड करना है हाँ तो हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए इतना कुछ क्लियर से नहीं है इनके मल्ली है नहीं मान ले जैसे मान ले 101 है तो 25 से डिवाइड करें क्या आ गया 1 75 को डिवाइड करो कुछ नहीं बचता रिमाइंडर अच्छा भाई इसे किस तरह लिख सकते हैं इसे इसे ये लिख सकते हैं 21 को 21 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस ये तो तरीका है लिखने का भाई यानी क्या आ गया ये जिसे डिवाइड करते हैं वो क्वेश्चेंट आ गया डिवाइडर आ गया है मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर ये तो फॉर्मूला होता है भाई डिवेंडेंट इक्वल टू क्वेश्चेंट मल्टीप्लाई डिवाइडर प्लस रिमाइंडर ये तो होता है फॉर्मूला एक बार बताया था मैंने देखो अब ये कह रहा कि इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके इस क्या यूज करना है इसमें बाइनोमियल थ्योरम अच्छा क्या करें अगर ये डिवाइड होता है भाई मान लिया ये डिवाइड होता है किससे डिवाइड होता है 25 से और रिमाइंडर कितना आता है तो क्या आएगा 25 के प्लस 1 आएगा ये के प्लस 1 क्या है मतलब अगर मैं जैसे 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ गया नहीं क्या आ गया ये एक ही नंबर होगा और भी नंबर होंगे इसमें भाई बहुत सारे डिवाइड हो सके जैसे क्या 41 45 क्यों भाई तो ये बहुत सारे हो गए भाई हो नहीं सकते 53 तो इसी तरह मान ले यहाँ लेकिन यहाँ डिजिट बदलती रहेगी हाँ ये वाली के वाली है मान ले वो नंबर जो है जो कोशेंट है मान ले के आ रहा क्या आ गया यानी 4×5 आ रहा नहीं तो 4× के आ जाएगा यहाँ क्या आ गया 4× के आ जाएगा यानी अगर रिमाइंडर 1 लाना है 4 डिवाइड करके तो यहाँ यहाँ ये जगह बदलती रहेगी यहाँ बस ये अगर मान ले यहाँ कितना आ गया यहाँ मान ले कितना आ गया 29 है तो क्या आ जाएगा 4×28 अब एक भी रिमाइंडर आ गया अगर मान ले इसे डिवाइड करके 25 से तो 25 मल्टीप्लाई के की वैल्यू क्या है यो? ये क्वेश्चन जो भाग फैलाया जो भाग देगा ये प्लस 1 आना चाहिए नहीं इस शक्ल में 1 क्या होता है ये इसी शक्ल में आएगा भाई मान ली ये इससे यानी कि ये इससे डिवाइड हो रहा तो इस शक्ल में आएगा देखो जैसे इस शक्ल का है अच्छा अगर मान लिया 4 से डिवाइड करें क्या आ रहा कोई नंबर 4 से कोई नंबर डिवाइड करें क्या आ रहा 1 आ रहा रिमाइंडर तो इसी लिख सकता हूँ भाई मान लिया वो नंबर कितना है x है 4 से डिवाइड करके तो 4 की कैम मल्टीप्लाई करके के बार आके 1 आना चाहिए यूँ तो कि भाई x क्या है वो नंबर जिसे डिवाइड कर रहे k क्या है कोशेंट भाग फल क्या है और 1 रिमाइंडर है तो ये मान लिया ये 25 से अगर ये डिवाइड है और एक रिमाइंडर आ इस शक्ल में आना चाहिए भाई और मैंने ये बताई थी तुम्हें बात जब ये डिमोल क्या इस्तेमाल करना है बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करनी है बाइनोमियल थ्योरम जब इस्तेमाल करते हैं शुरू में बताई थी कि नेचुरल नंबर तो होने चाहिए भाइयों बताई दी ये बात अब देखो इसका क्या कर सकता हूँ मैं
ये लिख लिया मैंने किया लेचर, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बता दी भाई मुझे, दिक्कत तो नहीं कुछ? इसे लिख सकता हूँ मैं 1 + 5 की पावर n - 5 है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ भाई, अभी बेटी आप ये कोई नया काम करा भी बता दो है। अब क्या लिख सकता हूँ इसमें 1 की पावर n, 1 तो 1 ही लिखूंगा, अब मैं बुढ़े से हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो 1 की और कुछ भी कर दूँ 1 ही लिखूँ, क्या आएगा फिर? एन सी जीरो की वैल्यू 1 होगी, इसे छोड़ दूँ या एन सी जीरो भी लिखूँ 5 सी 0, तो बड़े सारे हो गए, क्या आएगा 5 सी 1, 1 की पावर कितनी आएगी? एन आएगी, हाँ 1 की पावर, अरे भाई साहब 1 की पावर तो कुछ भी कर दो 1 ही रहेगी ना, पुलिस माइनस के भी जाएंगे प्लस का ही, तो सारे भाग लिखू या बन या जाने दू, अरे नहीं लिखू फिर नहीं होगी यार, कहाँ थे 5, फिर क्या आएगा 5 सी 2 1 की पावर n - 2, 5 सी 3 है सही गाल है, जो बात सही रहेगी वो माननी जाएगी सबकी, ऐसी थोड़ा ही है, ऐसा थोड़ा है, मेरी चलेगी आपकी भी तो चलेगी भाई, ऐसा थोड़ा ही है 5 पावर 3, ये चलता रहेगा भाई राम कथा थी है, और बाद में क्या होगा 5 n, खाते बैठे बात नहीं आई होगी, आ गई भाई, आगे बैठेंगे कहो तो 1 की पावर n कितना जगह 5 c 1 कितना हो 5, वो 5 नहीं आया इसमें भाई, n है यार, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो 5 का ही बहना, मैं चिल्ला मेरे दिमाग आज 5 घूम रहा है, हैं क्या आता है बेटे n की जगह क्या है, तो भाई बेईमान ना तो नहीं हुआ सर, मैंने अगर मैं अब लिखूँ अब ठीक हुआ, मैंने अगर 5 जगह n लिख दूँ बेईमान ना तो नहीं हुआ, मतलब वो ठीक हुआ है, बता दी भाई ठीक है यहाँ तक के बाद, अच्छा भाई एन सी 1 की वैल्यू कितनी हो भाई, भाई अभी तो बताई थी 3 गेंद दी 3 एक ले ली थी एन है भाई, ये 1 की पावर कुछ भी कर दो क्या जाएगा, अरे 5 की एनिमल मल्टीप्लाई करके ये क्या है अभी n c 2 आएगा, ये 25 आ जाएगा भाई, फिर आगे 5 की पावर 3 आएगा कितना होगा 1 की पावर, देखो n c 3 आएगा 1 की पावर क्या आएगा 1 ही आएगा, 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो 125 एन सी 3, इससे कर ले में क्या आएगा बता दो, थोड़ा देखो एक लाइन वो लिखो, हाँ 625 एन सी, मेरे पास समझ में नहीं है आपकी, बोलो आप समझ नहीं, बोलो आपकी भाई पूछ लो यार, रखी तो यही है ठीक है, -5 है ना भाई, कोई दिक्कत रटने वाली बात तो नहीं बताई मैंने, कोई नई बात तो नहीं बताई, सब आ रहे तुम्हारे पास, इस 5n ने इसकी दावत कर दी है, ये दोनों गए ले भाई साहब, दिक्कत तो नहीं, कट से गए, अब क्या बच जाएगा बोलो 1 + 25 एन सी 2 + 125 एन सी 3 + 625 एन सी 4 + एक और लिख सकते ना, एक और तो लिख सकूँगी, दिक्कत तो यहाँ तक की काम चल जाएगा, तो मेरा एंड से वही एन तक ही चल जाएगा, दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक की, बोलो एक और थोड़ा एक काम और कर दूँ भाई, मैं ये 1 जुगा तू लिखूँ भाई, इन सब में से क्या कॉमन है 25 कॉमन है, क्या कॉमन है 25 कॉमन ले क्या आ जाएगा एन सी 2 + 5 एन सी 3 +
यहाँ तो बात नहीं होगी, हट के बताऊंगा सवाल को थोड़ा सा, यहाँ तक के रिपीट कर दूँ यहाँ तक के थोड़ा कुछ पिछता हो गया है सवाल, सीधा सीधा उत्तर थोड़ा तिरछा हो गया है। देखो भाई शुरू करते हैं एक बार और, देख भाई सवाल ये था कि ये प्रूव करना था कि एक नंबर है 6n-5n को जब भी हम 25 से डिवाइड करेंगे हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा, इस्तेमाल करना है। पहले मैथमेटिक इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, कई तरीके हैं उसको करने के, कई तरीका है, लेकिन क्या है कि यूज करना है, क्या करना है बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ रहे हैं उससे प्रूव करिए भाई, इधर करना प्रूव करिए। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या लिखा कि अगर ये 25 से डिवाइड है तो 25 का मल्टीपल भी होगा, इसका फैक्टर होगा, जो 2×3 है, 6 का फैक्टर 2×3 है, तो 25 मल्टीप्लाई के प्लस 1, के एक नेचुरल नंबर होगा भाई, नेचुरल की बात चला है, इसमें तो कोई बात चलती नहीं वैसे, चलती नहीं। ये मैंने ये एल एच एस ले ली 6n-5 है, ठीक, 6 को कर दिया 1+5 ये जुगल, इसमें कर दिया a प्लस बी या x प्लस वाई की घात n या x प्लस वाई की पावर n, तुम्हें डी मोर थ्योरम लगा दी, लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अभी कई कई बार लगाई मेरे से, फिर इनको सोल्व करके एन सी वन जुगो तुम 5^1, 5^2 ऑफ 25, 5^3 ऑफ 125, ये करते करते ये 1^2 तो n 1 आ गया, एन सी वन जुगो तुम है, एन सी वन की वैल्यू n हो 5, ठीक है, 5^1 कुछ ही कर दो, क्या आता है हमेशा 1 ही रहता है, ये आ गया 25 एन सी टू, ये आ गया इसकी जगह बदली, ये आ गया, और फिर मैंने क्या आ गया ये माइनस का 5n था, माइनस 5n से प्लस के 5n को काट दिया, फिर मैंने क्या करा जो ये बची हुई टर्म्स है इनमें से 25 सब में से कॉमन ले लिया, 25 कॉमन ले गया क्या बचेगा 1 जुगो तू 25 एन सी टू 5n3 है, हाँ तो बात नहीं आगे भाई। अच्छा भाई ये 20 ये n n कैसा नंबर था बताया था मैंने भाई, ये 2 कैसा नंबर हो भाई, नेचुरल हो भाई, कोई शक तो नहीं है, जब इनका कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे हम, या प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा नेचुरल का, नेचुरल से निकालेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा या कुछ और आएगा, यहाँ क्या था मैंने 5 कैसा है भाई नेचुरल, ये भी कैसा है, दो नंबर की नेचुरल की प्रोडक्ट कैसी आएगी, तो यो कैसा नंबर आएगा, यो कैसा आएगा, यो कैसा आएगा, अरियो अरियो यो यो सारे नेचुरल, अब नेचुरल का सम कैसा नंबर हो भाई, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑलवेज टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इज नेचुरल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी तुमने सेट थ्योरी में पढ़ी होगी है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब संवर्ग नियम का पालन करती है, यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमेशा संवर्ग नियम का पालन करते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या संवर्ग हो, क्लोजर आई नहीं समझ में, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी सेट थ्योरी में, मैं बता रहा भाई, मैं बता रहा हूँ जरूर, मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 भाई मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी जो क्या होती है, मान लें एक क्या नंबर है नेचुरल नंबर है, 3 कैसा नंबर है, इन्हें दोनों क्या कर दो प्लस कर दो, तो क्या आ गया ये 4, तो बस यही क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ एनी टू नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट द इन एडिशन में हमेशा दो नंबरों का जो सम होगा वो भी एक नेचुरल नंबर, और प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये भी ये हो गई एडिशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ ये क्या हो गई एडिशन ऑफ, ये वही बात है, एक मरा वही उठ के भाग गया तो वाली बात हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोजर, यही मैं बता रहा, मैं भी यहां ये कहना चाह रहा कि अगर ये सारे कैसा नंबर है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए, अच्छा एक मिनट के लिए, ये जब नेचुरल नंबर है ये
तो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या मानना था, मान लिया कोई नंबर मान लिया, कि है मान लिया नंबर, हाँ नहीं, इसका मतलब 25 की मल्टीप्लाई आ गई है, 25 की है नहीं, 25 मल्टीप्लाई ये प्लस 1, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये रिमाइंडर वही नहीं था, जैसे भी बताया था मैंने, देखो 7 है, 7 को लिख लूं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 1 क्या आ गया इसका, ये रिमाइंडर, यानी 2 और 3 इसके फैक्टर हैं, या 2 से डिवाइड करके हमेशा 1 आएगा, 3 से भी डिवाइड करके 1, ये तो मतलब कहना चाह रहा है, तो ये यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, ये क्या प्रूव हो गया, हमेशा प्रूव हो नहीं गया, क्योंकि वैन वैन भी डिवाइडेड 6 पावर n माइनस 5 n इज ऑलवेज वैन इज डिवाइडेड बाई 25, जब 25 से इसे डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है भाई, और जो चले जाओ आप ताड़ कल उताड़े, मैंने बता दिया जी, क्या कह रहे, अच्छा जाती है कहीं जाते हैं, चलो ठीक है, बुकिंग आएगी नहीं, पिछले साल भी पढ़ी होंगी मेरी, बहुत सारी है ना, बहुत पढ़ी रहती हैं, तुम ताड़ लो भाई, तुम कहाँ जाओगे ताड़ लो, अरे ताड़ लो तुम तो इधर जल्दी ना, इधर ताड़ लिया इन्होंने, इधर घर जाके ताड़ लेंगे, इधर जल्दी जाना, तुम तो कहीं भी चले जाइयो, इन्हें तो अपनी सहेली के साथ जाना है, आज भी देर हो गई थी, कल से पहले हम लोग, ठीक है, आज भी 5-10 मिनट लेट हो गए हैं, कुछ काम का था मुझे भाई, ये बेटी अपने पापा का फोटो लाई है, जो मेरे भाई हैं, मेरे भाई तो ले गए खोए गए हैं, कुंभ के मेले में खोए हुए हैं, कुंभ के मेले में तुम खोए गए, ये बच्ची बता रही थी मेरे पापा भी इसी शक्ल के हैं, मैंने बता रही थी, मैंने भाई जैसे कुंभ के मेले में खो जाना, फिल्म में खो जाना, 12 साल बाद है, कहीं ऐसे दुनिया है, पूछना पड़ेगा घर जाके, मेरा भाई तुम्हें कोई खोया हुआ है, कि भाई वो शाहरुख खान है ना फिल्म, कौन थी शाहरुख खान, सलमान खान की है, हाँ वही मिला है, इस तरह ही है, ये बेटे बात समझ में आ गई ना आपके, यस सर, तोड़ लिया भाई, तोड़ लिया सब कुछ, तोड़ लिया मिटो दो, भाई मेरे से कल को किसे एक हुआ है, देखो यार तुम्हें एक नहीं हो, अच्छा इसका फायदा क्या हुआ, ये तो बहुत तुम्हारे पता नहीं थे ये सवाल, अब तुमने जो है जो अग्री यूँ बताओ, अब जो है तुम जो है 100 की पावर वो 4 करके बता रहा, इससे बड़ा तो मैं पहले तरीका आया था वो 100 × 4 को 4 बार लिख के, ये अविन था आपके, ये यू 100 की पावर 4 है, तो यू अविन था आपके, इसलिए तुम्हें बता दें, यही पता नहीं था भाई, मजा नहीं आया, तो तुमने और मुझे ज़्यादा लंबा बता दें, और मतलब एक बैटरी बिठाई और बिना बात फालतू चीज़ दे दी, हमारे पास अच्छे तरीका है, इसका यूज़ क्या हुआ फिर भाई, कोई यूज़ नहीं लगा तेरे, असल में यही बात कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, आसान नहीं हुए, देखो क्या आसान होती है इसमें, जैसे एक इसका यूज़ होता है, एक इसका आसानी, क्या होता है यूज़ इसका, कोई अगर ये कहे कि भाई ये है x प्लस वाई की पावर n, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म टोटल n आएगी, ठीक यार मेरी जमीन n प्लस 1, हाँ कितने बेटे सभी से बता रखे, एक ज्यादा आएगी, छिवा लिखा था यहाँ कोने में, नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी बेटे, कितनी आएगी नंबर ऑफ टर्म, n प्लस 1 आएगी, मैं यूँ कहूँ कि इसमें मुझे बता 15वीं टर्म्स कौन सी होगी, बता चे n का मतलब कितनी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जैसे 5 कर रहे हैं सीधे से, 8 भी हो सकता है, तो मुझे 17वीं टर्म्स कौन सी होगी भाई इसकी, अब कुछ फायदा नहीं कहा, 17वीं टर्म तो कितनी मुश्किल पड़ जाएगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला भी क्या बोलते हैं, ये बहुत रहेगा जी, याद कर लियो भाई कुत्ते की तरह, माइनस 1 की पावर r n c r x की पावर n माइनस r और y की पावर r, लिख लो भाई
क्या है माइनस वन की पावर एन माइनस क्या करें क्या जनरेटर टर्म की क्या फॉर्मूला है भाई ये जनरल टर्म है ये क्या है कि ये जनरल टर्म की निकालनी है जैसे ये क्या चीज कह रहा है भाई सिग्मा यानी आर आर की वैल्यू जीरो से एन तक है आर की वैल्यू कहाँ से है जीरो से एन तक लिखी जा रही है तो ये भी तो जीरो से शुरू करें जो एक टर्म बढ़ जाओ यूनि बढ़ती हमारे पास वो अच्छा अब यूँ क्या है कि इसमें सत्तरवीं टर्म्स निकाल दो भाई क्या कहने का वो कि बेटे बता दो सत्तरवीं टर्म्स कौन सी होगी ये आठवीं टर्म्स कौन सी होगी अभी ले भाई अब देखो अभी अब देखिएगा सर फायदा कौन सी टर्म्स निकलवा रहा है सत्तरवीं निकाल दी तो एन की जगह तो क्या है भाई एन ही है आर की जगह कितना है एन सी सत्रह एक्स की पावर एन माइनस सत्रह वाई की पावर ये अब तुमको भी मदद नहीं आ रही तो एन की जगह अगर कुछ इन्हें चार पाँच छः सात दे दे एकदम बढ़ जाएगा काम इतना आसान हो जाएगा एन तो जनरल टर्म से लिए मैंने एन की जगह क्या ली अगर यहाँ तीस होता एकदम सीधा सीधा नहीं हो गया था माइनस वन की पावर वही एक वन रहती है और भाई ये जो है पंद्रह सी सत्रह को खोल लेता एक्स और क्या जाती अगर कुछ भी होती मान ली बीस होती बीस माइनस सत्रह तीन और वाई की पावर सत्रह तो जनरल टर्म्स का क्या फॉर्मूला आ गया रट लिया भाई क्या आ गया माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर जनरल टर्म इतने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे इसके बिना काम ही चलना भाई क्या कहा भाई मैंने क्या कहा भाई मैंने इतने तो भाई अच्छा ये जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला आ गया माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर मैंने क्या पढ़ाया आज ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया है बाइनोमियल थ्योरम क्यों कहते हैं कि ये एक्सपेंड होती है खुलती है किस कितनी टर्म्स की वजह से खुलती है दो टर्म्स की वजह से खुलती है इसलिए इसका नाम बाइनोमियल थ्योरम है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं जो भी इसकी पावर होती है उससे प्लस एक आते हैं जो जो बाइनोमियल थ्योरम है ये अप्लाई होती है कह के लिए एक बार आ गया था ये सवाल कि बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई ओनली इन नेचुरल नंबर होल नंबर रियल नंबर ओल नंबर क्या आंसर होना चाहिए था उसका नेचुरल नंबर होना चाहिए कॉन्सेप्ट भी समझवाने चाहिए थोड़े थोड़े फॉर्मूले तो लिख ही जाएगा सीधा फॉर्मूले तो सभी ग्यारहवीं सीधा लिखवा रहे हैं भाई ये तो करते हैं ग्यारहवीं में थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट आता है सवाल है थोड़ा घुमा फिर आगे तो भाई नंबर ऑफ टर्म भी निकाल लेंगे एक जैसे सवाल आता है कि जैसे ये है x प्लस वाई की पावर 100 है तो इसके नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसके एक्सपेंडेड टर्म्स कितने टर्म्स होंगे अगर 100 होगी यहाँ 101 होंगे सीधी सी बात है इसका मिड टर्म भी निकाल लूँगा फिर मैं पीछे क्या निकाल लूँगा इसका कुछ थोड़ी थोड़ी बात आगे जरा बढ़े होंगे कुछ चीज़ बढ़ेगी काफ़ी लेक्चर हैं फिर होंगे डिमोस बहुत सारी हो गई तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये बड़ा अच्छा मज़ेदार चैप्टर है ठीक है भाई ये आ गया और क्या बताई थी मैंने बात भाई क्या बताई थी इधर बढ़ती जगह कि जब फॉर्मला हमेशा याद रहेगा अगर भूल गया याद करने की जरूरत नहीं है भाई और वो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मला पड़ा था फाइव चीज़ों उसके फॉर्म लगाते रहो और सवाल मेरा क्या हो जाएगा कल को जो है एक सवाल हो जाएगा बढ़िया दो तीन जो आई आई टी के सवाल उसमें सुबह वही करेंगे कुल लगे हुए यहाँ तक के क्या सी काम है ठीक है भाई डायरेक्ट सवाल करेंगे बढ़िया चलो भाई आज के लिए इतना ही है थैंक्स भाई थोड़ी थोड़ी बात आई थोड़ी सी बात है आपकी भाई पूछ रहे करो भाई घर बैठे पढ़े गया करें चलो तुम्हारी किताब वाली करवा दूँगा आधा सवाल है जो आया वो आई आई टी में आया हुआ ठीक है बेस्ट ऑफ लक थैंक्स